दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। आज आप लोगों को ग्रामर में संज्ञा के बारे में बताऊंगा। संज्ञा संज्ञा के बारे में अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर बाद में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति या गुण या भाव के नाम का बोध जो कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या फिर से? किसी व्यक्ति या वस्तु या कहीं की स्थान या स्थिति, कौन सी स्थिति में गुण या भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लखनऊ हो गया, गोमती हो गया, जो लखनऊ गोमती किनारे बसा है। क्रोध इंसान को पागल बना देता है, जो क्रोध है इंसान को पागल बना देता है। लखनऊ शहर का नाम है, लखनऊ शहर का नाम है, लखनऊ जो है संज्ञा है। इंसान इंसान जाति का सूचक है, इंसान जो है जाति का सूचक है। गोमती नदी का नाम है, गोमती नदी का नाम है, क्या नाम है? गोमती। गोमती जो है संज्ञा है। क्रोध भाव को दर्शाता है। ये सभी संज्ञा है जो ये सभी आपको बताए उदाहरण, ये सब संज्ञा है। इसके बाद संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं चलिए जानते हैं। संज्ञा के जो भेद हैं, संज्ञा के भेद निम्न प्रकार के हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, चलिए सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का जो बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वे शब्द जो किसी विशेष खास कर विशेष व्यक्ति पर ही वस्तु का स्थान प्रभावित करता है, दर्शाता है, या विशेष प्राणी का नाम बोध कराता है, उसका प्राणी का नाम बोध कराता है, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वही जैसे जैसे महात्मा गांधी हो गए व्यक्तिवाचक, महात्मा बुद्ध व्यक्तिवाचक, भगत सिंह, कृष्ण, राम, अकबर, बीरबल आदि व्यक्ति के नाम है। और कंप्यूटर, तलवार, कलम, मोबाइल व पलंग, घड़ी, टॉर्च, बल्ब, मेज सभी वह वस्तुओं के नाम है। ये सब जो हैं व्यक्तिवाचक में आएंगे। वस्तुओं के नाम है तो कैसे, लेकिन यह व्यक्तिवाचक में आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण भी बताइए। जैसे मनुष्यों के नाम, जो आदमियों के नाम है, जैसे प्रियंका हो गया, मुकेश, कैलाश, प्रशांत, निशांत, अंजू, सुधा, वाणी इत्यादि। प्राणियों के नाम है कामधेनु, गाय का नाम है एरावत, जो है हाथी का नाम है। वस्तुओं के नाम जो है मिर्च है, एक है गाड़ी है, धनुष का नाम है गाड़ी। स्थान का नाम क्या है? स्थानों का नाम जैसे पटना हो गया, भोपाल हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, हरिद्वार हो गया। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा वह होता है जिस संज्ञा के किसी वर्ग, समुदाय या जाति की जानकारी मिले, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब जाति उसका बोध करा रहे हैं। नगर हो गया, राज्य हो गया, किसी एक नगर को नहीं, किसी एक राज्य को नहीं, बस राज्य, राज्य में जो है जाति को दर्शा रहा है। देश हो गया इत्यादि। फिर इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो द्रव्य या पदार्थ, लिक्विड के अवस्था में, पदार्थों के अवस्था में उसका बोध कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक
द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पानी हो गया, स्टील हो गया, सोना हो गया, लकड़ी हो गया, ऊन हो गया, प्लास्टिक हो गया, चीनी हो गया, यह सब उदाहरण हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे समूह का बोध हो, जिससे समूह का बोध हो। जैसे कोई समूह, कोई कक्षा हो गया, पूरा ग्रुप है, सेना हो गया, ग्रुप है, टीम भी हो गई, भीड़ हो गया इत्यादि। इसके बाद भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, सील, स्वभाव, अवस्था, भाव इत्यादि का नाम बोध का होता है। जैसे यौवन, सौंदर्य, कलिमा, उसका बुढ़ापा, मूर्खता, मिठास, विनम्रता, वीरता आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा है, किसी को भाव दर्शाता है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा के शब्द कैसे बनते हैं, भाववाचक संज्ञा के शब्द कैसे बनते हैं, जैसे वाचक लगाएं, जैसे भाववाचक संज्ञा अधिकतर जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों से बनाई जाती है। जैसे मनुष्य से मनुष्यता हो गई, पशु से पशुता हो गई, मित्र से मित्रता हो गई आदि। भाववाचक संज्ञा के अंत में आई आस या ईमा लगाते हैं, आस या ईमा लगाते हैं। अंत में त्व हो सकता है, ई हो सकता है, ता हो सकता है, पढ़ हो सकता है, पा हो सकता है, पन हो सकता है, हट हो सकता है, आहट, घबराहट, ये बचपन हो सकता है। ये शब्द जो पाए जाते हैं, दोस्त से दोस्ती हो सकता है, अंत में ती, अ से अहंकार हो सकता है, अंग से ऊपरी हो सकता है इत्यादि। इसके बाद फिर से शुरुआत करते हैं, इस बार पूरा जो कन्फ्यूजन हुआ हो इसमें सब क्लियर हो जाएगा। संज्ञा की परिभाषा भेद उदाहरण सहित, संज्ञा की परिभाषा जो है, संज्ञा शाब्दिक अर्थ का नाम है। नाम किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण क्या क्या था, किशन परीक्षा में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल में घर पहुंचा, यह सब संज्ञा के उदाहरण है। किशन परीक्षा में प्रथम आया था, संज्ञा जो, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा, इस बात से उसे बहुत खुशी हुई, सब इसमें संज्ञा के उदाहरण चले आ रहे हैं। उसमें इसने यह बात अपने माता पिता को बताई, फिर यह समाचार सुनकर वह आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया। यहाँ पर जो 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 इसमें थे, यहाँ पर खुशी का भाव हुआ, रमेश, माता पिता, व्यक्ति, जो माता पिता जो है व्यक्ति हैं, स्कूल घर जो है, स्कूल घर जो है वो स्थान है, यह सब इसमें जितनी भी आई है सब संज्ञा है। भेद के नाम लिखिए, भेद के नाम लिखिए, संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक सभी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों होती है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु या व्यक्ति के नाम हो, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ क्या होती है, जिस शब्द से किसी एक विशेष वस्तु, वही चीज है, वही चीज, वस्तु के नाम, व्यक्ति या वस्तु के नाम पता चले, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण, राम, सीता, बजाज, पंखा, जो जैसे एक ये बजाज पंखा है, अगर ये आशा पंखा रहता तो वहां पर व्यक्तिवाचक नहीं रहता, क्योंकि वह फीमेल को दर्शाता है। इसमें जो है, बजाज जो है, बजाज पंखा जो है, व्यक्तिवाचक संख्या आ सकता है। और जो आशा है वो भी व्यक्तिवाचक है, क्योंकि वो इंसान ही तो है। फिर
फिर उसके बाद जोधपुर, जयपुर, राम, सीता, यह सब व्यक्तिवाचक के उदाहरण है। फिर उसके बाद जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों वस्तुओं का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है यह उसकी पूरी श्रेणी पर पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है। क्या जातिवाचक? ऐसी जिस शब्द से एक ही जाति अनेक प्राणियों में वस्तुओं का बोध हो जाए जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध हो, पूरा उसकी होल पूरा संपूर्ण बोध हो या उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है उसे संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, टीवी हो गया, पहाड़ हो गया, तालाब हो गया, गांव हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, घोड़ा हो गया, शेर हो गया। उदाहरण मोटरसाइकिल जो है कार, टीवी, तालाब, पहाड़, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, सब ये सब जातिवाचक हैं। भाववाचक क्या होता है? भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, भाव आदि का पता चलता है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। गर्मी है, सर्दी है, मिठास है, खटास है, हरियाली है, यह सब क्या है? भाव है, किसी की भाव दर्शाता है। भाववाचक संज्ञा बनना, भाववाचक संज्ञा चार प्रकार से बनाई जाती है। पहले जातिवाचक संज्ञा में सर्वनाम विशेषण क्रिया, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, जातिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनना। जैसे जातिवाचक संज्ञा जाति है, मित्र, मित्र एक जाति है, इससे भाव बनाना, मित्रता हो गया, पुरुष से पुरुषत्व हो गया। फिर उसके बाद पशु से जो है पशुता हो गया, पंडित से पंडित्य हो गया, धनुज से धनुजता हो गया, सेवक से सेवा हो गया, नारी से नारीत्व हो गया, भाई से भाईचारा हो गया। फिर इसके बाद क्या है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनना, जो सर्वनाम है पराया हो गया, परायापन। और इसके बाद सर्व हो गया सर्वस्य, निज हो गया निजत्व। विशेषण से संज्ञा बनना, विशेषण मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता, चौड़ा से चौड़ाई, गंभीर से गंभीरता, मूर्ख से मूर्खता, पागल से पागलपन, भला से भलाई, लाल से लाली, खुश से खुशी हो गया, क्रिया से जो क्रिया है भाववाचक बनना, क्रिया से भाववाचक बनना, उड़ना जैसे उड़न हो गया, लिखना लेख हो गया, खोदना जो है खुदाई हो गया, बाढ़ से बढ़ना जो है बाढ़ हो गया, कमाना कमाई हो गया, लिखना लेख हो गया, यह सब क्या है? खोदना जो है खुदाई हो गया। फिर उसके बाद बढ़ना बाढ़ हो गया, यह सब तो वही चीज उभर कर आ रही है। खपना खपत हो गया, घेरना घेरा, बचना बचाव, नाचना नाच, पहाड़ जो पढ़ना होता है पढ़ना पड़ाव, लूटना लूट, यह सब क्रिया से भाव बन रही हैं। और इसके साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ अगले वीडियो में सर्वनाम की वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।